मंत्री जी, इस बार आप पे पार्टी ने फिर विश्वास जताया है और पार्टी पे कितना खरे उतरेंगे आप इस बार? मैंने पहले भी कहा है और ठीक कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के संरक्षक, हम सब के अभिभावक आदरणीय नेताजी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे ऊपर और बलिया के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर भरोसा करके मुझे बलिया नगर का अपना उम्मीदवार बनाने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व की उम्मीदों पर पिछले 35 साल से खरा उतरने का काम किया। हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं। तो इस बार किस तरह की चुनौतियां रहेंगी? जनता की उम्मीदें हैं बहुत। माननीय अखिलेश यादव जी से उम्मीदें हैं, नारद राय से उम्मीदें हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे बगल में बैठे हैं ब्यासी गोण हैं, मुना पांडे जी हैं, जिला पंचायत के हमारे सदस्य पिंटू जावेद जी हैं, राणा दाड़ी जी हैं, सहित राम चौधरी जी हैं, सभी के लोगों पर बहुत भरोसा की है और उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी बलिया विधानसभा में उम्मीदवार ढूंढते ढूंढते थक गई, कुछ लड़ने को तैयार नहीं हो रहा था। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है और जनता की उम्मीदों पर, नेतृत्व की उम्मीदों पर नहीं, नेतृत्व के निर्देशों का पालन करते हुए, नेतृत्व द्वारा जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लेते हुए यह बात कहना चाहता हूं कि बलिया विधानसभा के जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, परिणाम हमारे पक्ष में होगा और हम जनता की उम्मीदों पर पहले भी खरा उतरने का काम किया है। भाजपा वालों के तरफ हरे नेतृत्व से लेकर के यहाँ के जनप्रतिनिधि तक ने भरे बोल करके काम किया है। हम लोगों ने जो जनता से वादा किया है उसको पूरा करने का काम किया है। फिर 22 में सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो जनता से वादा किया है, भरोसा दिया है, उसी वादे भरोसे को लेकर के हम भी जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराएंगे। इस बार समाजवादी पार्टी के सामने कितनी चुनौतियाँ रहेंगी इस बार चुनाव में? कहाँ पे? बलिया सदर से। बलिया नगर में तो चुनौती पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया, यहाँ कौन चुनौती है? यहाँ 5 साल जिसको नेतृत्व करने का मौका दिया उसको पलायन कर दिया और एक नेता जो हम लोगों के बीच में चुनाव लड़ने के लिए, अभी तो उम्मीदवार की घोषणा हुई, हो सकता है कल करें पर ज़्यादा किला न करें, वापसी के दिन तक पता न क्या करें, ये तो पर्यटक हैं, पर्यटन की दृष्टि से बलिया आए हैं। एक बार 2007 में भी आए थे, याद कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने ही भेजा था, 6,906 वोट पाए थे, जमानत जब्त हो गई थी। इस बार भी बलिया उसको अपना मतदान करेगी जो उसके दुख में, बाढ़ में, कोरोना में, आफत में, दुख में, सुख में, बेटा बेटी के शादी में, अस्पताल में खड़ा रहा है, उसको आशीर्वाद देने का काम करेगी। और फिर भारतीय जनता पार्टी के जो टूरिज्म की दृष्टि से बढ़िया आए हैं नेताजी, उनकी जमानत जब्त है। आनंद सर शुक्ला का वो टिकट क्यों यहाँ से काट कर बैरिया किया गया, क्या वजह रही उनको यहाँ से? भाजपा के भी सवाल हम ही से पूछेंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि योगी जी पुनः अपने कामों के बल पर सत्ता में आएंगे इस बार। योगी जी ने बलिया में कौन काम किया जरा भाजपा वाले एक काम बता दें तो मैं अपना उम्मीदवारी भी वापस ले लूँ। कोई बड़ा काम बलिया में बता दे, जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी ने जनेश्वर ने बलिया में स्पोर्ट्स कॉलेज दिया, जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्रामा सेंटर देने का काम किया, भाजपा वाले एक काम बताते हैं इस तरह का काम तो जो कहे वो कर लूँगा। कौन विकास बलिया में? बलिया में तो लोग अस्पताल की हालत इतनी बदतर है कि यहाँ पट्टी बांधने वाला कोई नहीं है, इंजेक्शन लगाने वाला कोई नहीं, यही विकास है? सड़कों पे जानवर जाने में असर मार रहे हैं, इंसान की तो बात छोड़ दीजिए, अब जानवर भी ऊंचाई पर चलने पर डरता है कि पता नहीं पैर बचेगा कि नहीं बचेगा, इसी भी यही बिगाड़। अभी तीन सवाल, देखिए आज धूप निकली है, काफ़ी गर्मी है और राजनीति में गर्माहट की बात चल रही है, वो कैसी गर्माहट है? 10 तारीख को किसकी गर्माहट दूर हो गया, किसके अंदर नरमी आएगी? ऐसा है कि हम लोग गर्माहट और ठंडई सबसे हम लोग गुजर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जो भरोसों पे जनता के खरा उतरा है उसका नाम माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनको मतदान करेगी। अब ठंडा कौन होगा, गर्म कौन होगा, ये जनता बता देगी।
उत्तर बलिया से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश का विकास होगा जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनेंगे। तीन सवाल, बुलडोजर और ठोकू नीति पर क्या होगा, जनता क्या जवाब देगी? जनता तो इसीलिए तैयार होकर खड़ी है, एक तरफ जहाँ योगी जी, मोदी जी, शाह जी, दुनिया जी सभा करने जाते हैं और 70% कुर्सी खाली मिलती है, और दूसरे तरफ माननीय अखिलेश यादव जी इलेक्शन कमीशन के निर्देशों का पालन करते हुए चलते हैं। आप देख लीजिए, आज भी जब सड़क पर निकलते हैं तो हजारों लोग खड़े रहते हैं, वो न बुलाए नहीं गए हैं, वो बस से भर के नहीं गए हैं। यहाँ तो रोडवेज की बसें को ऐसे चलाया गया कि लोगों के यातायात की दिक्कतें आने लगी। बलिया में जब बसों को जब यहाँ से गाजियाबाद तक भेजा गया तो भी कुर्सी खाली रह गई। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी जब सड़क पर जाते हैं तो सड़क खाली नहीं रहती है, सिर्फ चलता रहता है। सीनियर नेता एकजुट हो गए हैं, जैसे अंका चौधरी जी, नारद राय जी, राम गोविंद चौधरी, लक्ष्मण गुप्ता ब्याह जी, क्या कहेंगे? 7 विधानसभा सीट है, 7 क्लियर है पूरी तरह से, जैसे सीनियर नेता की एकजुटता है। हम लोग सौभाग्यशाली है कि इस चुनाव में 2022 के विधानसभा में समाजवादी पार्टी बिल्कुल मुस्तैदी के साथ एक ओर के खड़ी है, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि बलिया में कितने लोगों ने दावेदारी किया था, फिफना में कितने लोगों ने दावेदारी किया था, बैरिया में भी दावेदारी किया था, सिकंदरपुर में दावेदारी किया था, और जैसे ही माननीय अखिलेश यादव जी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, एक बयान भी किसी नेता का खिलाफ में नहीं आया। सभी लोगों ने हम लोगों को बधाई दिया है और भरोसा दिया है कि अपने उम्मीदवार होते तो जितना मेहनत करते उतना ही आपके उम्मीदवार रहने पर भी करेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो लोग टिकट मांगे थे नहीं मिला है, चाहे वो बलिया हो चाहे वो बैरिया हो, लोग शाम को जाते हैं बसों में, सुबह फिर लौट के भाजपा में आते हैं, कोई कहता है हम निर्दल हो जाएंगे, कोई अंड कबंड बोल रहा है, बयान खिलाफ में दे रहा है, तो ये साबित हो गया है कि अब समाजवादी पार्टी बलिया की 7 सीटों पर जीतेगी और 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारेगी नहीं, जमानत जब्त हो जाएगी।